हाय और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली है क्योंकि मेरे घर वाले शादी के खिलाफ थे। और मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही हूँ ताकि मेरे घर वालों के साथ साथ दुनिया वालों को भी ये पता लग जाए मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ। और मेरे घर वाले कहीं हम दोनों को अलग ना कर दे इसलिए यहाँ पर अपलोड करना बहुत जरूरी था। आप लोग हमारी यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए विश मांगेगा। बाय बाय। और मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मर गई आस मेरे लिए। ये क्या कर दिया लाडू, अपने माँ बाप का प्यार और दिए हुए संस्कार भी भूल गई। सुरभि, अरे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खिला दो। देख लो सारे डब्बे खाली हैं, घर पे कुछ है ही नहीं तो क्या बनाती। तुमसे कितनी बार कहा बाहर जाके नौकरी ढूंढ लो, ऐसे पड़े रहते हो घर में। क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो ना? मैं कह रही हूँ फोन छोड़ दो। अरे कर तो रहा हूँ कोशिश, अब जॉब अच्छी सी मिल जाएगी तो कर लूंगा। जब तक पसंद की जॉब नहीं मिलती तब तक कोई दुकान वगैरह पे नौकरी ढूंढ लो। क्या दुकान में नौकरी कर लूं, इतना गिरा हुआ समझा क्या मुझे? और मुझे कुछ मत बोलो, अगर इतना ही तुम्हें भूत चढ़ रहा है तो तुम क्यों नहीं कर ली थी जॉब कहीं? कर रही हूँ मैं भी कोशिश, पर मेरी पढ़ाई कहाँ पूरी हुई थी जो मुझको जॉब मिलेगी? अरे तो किसी पार्लर में जाके काम धंधा कुछ सीख लो ना और वहीं पे जॉब कर लेना। और एक तो ये तुम्हारे तानों ने सारा दिन खराब कर रखा है मेरा। मैंने परेशान करके रखा है? तुम्हें याद है शादी से पहले कितने वादे किए थे तुमने? ऐसे राजकुमारी बना के रखूंगा, सारे सपने पूरे करूंगा। अब देख रहे हो खाने तक किले मोहताज बना दिया है तुमने। इतनी भूख लग रही है ना तो खुद जाके कहीं से कमा के खा लो, नहीं तो जाके अपने बाप से मांग लो। मेरे पापा क्यों पैसे देंगे? तुम्हारे चक्कर में तो मैंने उनसे भी नाता तोड़ लिया है? शादी की जल्दी मुझे नहीं तुम्हें थी, मुझे लगा तुम्हारा बाप मान जाएगा, पैसे कोई कमी नहीं होगी, मुझे क्या पता था बुड्ढा सीधा हाथ खड़े कर देगा। तो तुमने मेरे पापा के पैसों के चक्कर में मुझसे शादी की? तुम एक नंबर के निठल्ले हो, निकम्मे हो तुम। नहीं रहूंगी मैं इस घर में, अपने पापा के घर चली जाऊंगी। मुझे समझ आ गया है, बेटी सिर्फ राजकुमारी अपने पापा के ही घर में होती है और माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उनके खिलाफ जाके ना तुमसे शादी करना सबसे बड़ी भूल थी मेरी। सुन, तेरी जैसी लड़कियां ना बेवकूफ होती हैं और तुम जैसी लड़कियों को ना बेवकूफ बनाना हम जैसे लड़कों का पाए हाथ का खेल होता है। और तू क्या कह रही थी कि अपने माँ बाप को तूने मेरी वजह से छोड़ा? पर जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी कहाँ से होगी? हट।